गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज हम हैं आगरा। वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही हो गया, लेकिन आज हम जो कवर करने वाले इस वीडियो में, जो कि वो फूड स्ट्रीट के बारे में होगा। जो आप अगर समझ लो एक दिन के लिए अगर आगरा अगर आते हो, तो फिर आप मतलब बहुत लोग सोचेंगे मतलब कहाँ जाना खाने के लिए, क्योंकि खाने की बहुत सारी जगह होती है। लेकिन मतलब यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आप सारी सब कुछ आइटम मिल जाएगा। और गाइस, आपको बार बार मतलब भटकना नहीं पड़ेगा, बार बार मतलब आपको टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा अपना, और या एक ही जगह पे आके आपको सारी चीज़ें आप ट्राई करके अपना टाइम भी सेव कर सकते हो, और मतलब आप अलग अलग वेराइटी भी टेस्ट कर सकते हो। गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो वो रोड है जो बोलते हैं चाट गली, और ये है सताट नगर। मैं एड्रेस पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नीचे कहीं आपको मेंशन कर दूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, आप ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख सकते हो, इसके जस्ट ऑपोजिट में ही है जो ये चाट गली है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि ट्यूसडे को यहाँ पे मार्केट जो है क्लोज रहता है, और जो फूड स्ट्रीट है वो आपको 5 बजे के बाद ही ओपन होती है। और जो मेन मज़ा है इधर फूड स्ट्रीट का, वो आपको 8 बजे के बाद ही मज़ा आएगा यहाँ। तो गाइस, जो हमारा पहला स्टॉप बना है वो सरदार जी पनीर टिक्का वाले पे बना है। तो पहले हम टिक्का ट्राई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको मतलब टेस्ट वगैरह कैसा है करके। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे और भी मिलते हैं, मतलब पनीर टिक्का है, अचारी पनीर टिक्का है, मतलब बहुत सारे वैरायटी टाइप्स ऑफ पनीर टिक्का है। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे जो नॉर्मल पनीर टिक्का है वो 150 रुपीज़ का है। ये गया ताज़ा ताज़ा मसाला, और ये गया ऊपर से घी। और गाइस, जो घी और रोस्टेड पनीर का जो फील है ना, अलग ही लेवल है। देखने में तो गाइस बहुत यम्मी दिख रहा है, टेस्ट करके दिखा दे कैसा है। एक नंबर। तो गाइस, हमारा सेकंड स्टॉप है वो लगा है पानी पूरी पे, जो बाउल की तरह लग रही है, देखते हैं कैसे। नॉर्मल बिल्कुल कुछ अलग है थोड़ा। गाइस, ये बास्केट चाट्स, ये कुछ इस तरह का फीलिंग होता है, और अंदर पूरा मतलब मसाला वसाला दही वगैरह नमकीन वगैरह होता है। जैसे नॉर्मली सेव पूरी में आपको ऊपर दही लगा देते हैं, या उसी पूरी का मतलब नीचे बास्केट बना हुआ होता है, बस टेस्ट एकदम दोनों सेम है। तो गाइस, आप ऑर्डर देने से पहले एक बार प्राइस पूछ लेना, कुछ प्राइस क्या है करके, फिर ही आप ऑर्डर देना, क्योंकि मतलब कस्टमर के फेस पे प्राइस लिखा होता है हमेशा। और रही बात जो भेलपूरी हमने खाई थी उसका 100 रुपीज़ था, और बकेट पूरी थी उसका भी 100 रुपीज़ था। और ऐसे मैं प्राइस आपको नीचे मेंशन करता रहूँगा, उधर भी देख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉप है जो आगरा चैट हाउस है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं जो आगरा के फेमस है, वो है दही भल्ले। दही भल्ला
गाइस ये है आगरा के फेमस दही भल्ले, आपको टेस्ट करके बताते कैसे है आगरा के। काजू किशमिश वगैरह पूरा डाला हुआ है और आप देख सकते दही पूरा फिलिंग है और विद एक नंबर मस्त ट्राई। हम फाइनल थर्ड लोकेशन पे जो हमें यहाँ पे देख सकते हो आप लखनऊ, जहाँ हमने देखा है अभी वेज कबाब रोल करके है, देखते हैं वो ट्राई करते कैसा है। कल लेटर आ जाने चाहिए, अभी अंकल आए मैं अंकल से बताता हूँ। रोल ठीक है नॉर्मल है, लेकिन इसके साथ अगर मेयोनीज देते ना तो रोल का मजा ही कुछ अलग ही होता। गुलाब जामुन चाहिए सर, गुलाब जामुन नहीं नहीं वो वाले नहीं। मैं किशन कुल्फी पे और हम यहाँ पे अभी ट्राई करने वाले हैं रबड़ी। दूध को मतलब गाढ़ा करके फिर उसकी क्रीम बना के फिर बनाया जाता है, फिर उसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया जाता है। ऑप्शन है लेकिन ये फाइनली ये मीठा है, ये खा के देखते हैं क्या ऐसा करके। यहाँ पे 50 रुपए की एक मिलती है रबड़ी, इतनी सी क्वांटिटी है ये, टेस्ट लाजवाब। वैसे गाइस यहाँ पे खाने की चीज़ें बहुत सारी है लेकिन आप जो चाहे खा सकते हो यहाँ पे, मतलब एक ही रोड पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आपको पसंद है खा सकते हो। साउथ चाहिए साउथ मिलेगा, जो चाइनीज़ चाहिए चाइनीज़ मिल जाएगा, या फिर दिल्ली का स्पेशल चाहिए दिल्ली का मिल जाएगा, या फिर मेन जो आगरे का स्पेशल है जैसे दही भल्ले हो गए, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। यहाँ पे आओगे तो मतलब कुछ अलग ही टेस्ट ही अलग ही है इनका यहाँ पे। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।